1947 के स्वतंत्रता के बाद असम में एक मांग शुरू हुआ। 1967-68 में पहली बार एक सेपरेट स्टेट बोडोलैंड के लिए ऑर्गेनाइज डिमांड शुरू हुआ। ये डिमांड रेस किया था प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम यानी PTCA ने। 1967 के बाद से ही ये डिमांड असम के सभी न्यूज़ चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में छा गया था। बोडोलैंड की कहानी बोडो पीपल के साथ जुड़ा हुआ है जो कि असम के एक ट्राइब है। असम के पॉपुलेशन में 5-6% बोडो ट्राइब के लोग हैं जिसे असम की सबसे बड़ी ट्राइब के रूप में जाना जाता है। ये बोडोलैंड का डिमांड 1978-79 में ख़त्म हो चुका था क्योंकि उस समय तक PTCA जनता गवर्नमेंट के साथ जुड़ गई थी। अगर यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देख लिया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये डिमांड इतने में ही ख़त्म नहीं हुई थी। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने 1987 में फिर से इस डिमांड को लेकर आगे आई। साथ ही साथ आपसू ने डिमांड किया कि असम को 50-50% में डिवाइड करके और लोअर साइड को बोडोलैंड घोषित कर दे। इस बार बोडो लोगों ने अहिंसा के साथ एक मूवमेंट शुरू किया और पोस्टर कैंपेन चलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे। वो लोग चाहते थे कि बोडोलैंड को आर्टिकल 2, 3 और 4 के तहत एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। आपसू ने यूनाइटेड मूवमेंट के जरिए बोडो साहित्य सभा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, NDFB और साथ ही साथ नॉन बोडोस का भी साथ मांगा। इसमें बता दें आपको कि NDFB 1985 में गठित हुआ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ असम नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप है। 1987 का यह डिमांड बहुत सालों तक चला और 3 जुलाई 1993 में बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल नाम से एक एग्रीमेंट बना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 12 अक्टूबर को एक बोडो और नॉन बोडो के बीच संघर्ष हुआ जिसमें 50 लोगों की जान चली गई और फिर ये एग्रीमेंट आपसू ने तोड़ दिया और फिर से एक सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड करने लग गए। ये एग्रीमेंट टूटने के बाद मामला और गंभीर हो गया। 1994 में बोडो मिलिटेंट्स ने कोकराझार में नॉन बोडो लोगों के घर पर हमला कर दिया जिसमें तकरीबन 100 लोग जख्मी हुए और 7,000 लोग बेघर हो गए। साथ ही साथ 4 विलेजेस पूरी तरह जलकर राख हो गई और ऐसा करके 1994-1995 के दौरान लगभग 6-7 अटैक हुए। असम पुलिस, आर्मी और गवर्नमेंट को उस समय बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था क्योंकि असम और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में तब तक बहुत से मिलिटेंट ग्रुप बन गए थे। वैसे ही 2000 सन आते आते असम में अशांति बढ़ने लगी थी। फिर से 2003 में सेकेंड बोडो अकॉर्ड बना। शेड्यूल 6 के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी को लेकर के जिसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD गठित हुआ। ये सेकेंड एकॉर्ड बना जिसमें बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें साइन किया था। बता दें आपको कि 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल डोमिनेंट इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। साथ ही साथ ये वहाँ के ट्राइबल एरिया को एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देता है ताकि वे अपनी कल्चर्स, राइट्स और एथनिसिटी को बचा सके। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ट्राइबल इलाकों में ये शेड्यूल लागू होता है। फिर से 2020 को BTAD को BTR यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में चेंज करने की मांग उठी और असम गवर्नमेंट जगदीश मुखी ने भी इसमें हामी भरी। इस एग्रीमेंट में नए विलेजेस को इंक्लूड और एक्सक्लूड करना था। इस एग्रीमेंट में था कि जिस विलेज में 50% से ज़्यादा बोडो पॉपुलेशन हो वो विलेज BTR के अंदर में आएगी, वहीं जिस विलेजेस में 50% से कम बोडो लोग होंगे वो विलेजेस BTR से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। इसी समय में गवर्नमेंट 1500 करोड़ का सेंक्शन पारित किए थे जिसमें बेसिकली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। इसी समय 1550 NDFB के मिलिटेंट्स सरेंडर भी किए थे और NDFB के लोगों ने भी ये इंश्योर किया था कि बोडोलैंड अब बुलेट, बॉम्ब और टेररिज्म से फ्री होगा। वाई बोडोलैंड? बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स एक सबसे बड़ा फैक्टर है बोडोलैंड डिमांड के लिए। बोडो ट्राइब के लोग अपने कल्चर्स, राइट्स और एथनिसिटी को लेकर के अनसेफ महसूस करते हैं क्योंकि असम की गवर्नमेंट भी इनकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठा पा रही थी। अकॉर्डिंग टू देम,
वे लोग अपने कल्चर राइट और उनके माइनॉरिटीज स्टेटस को डेंजरस स्टेज में महसूस कर रहे हैं। BTAD या कह सकते हैं कि BTR के गठन के बाद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट BTR के ऊपर ध्यान दे रही है। बोडो लैंग्वेज को भी असम का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी घोषित कर दिया गया है। वहाँ के नए नए इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं जो कि उनके विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी के असम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर विश्वजीत दयमारी भी एक बोडो संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। अभी गवर्नमेंट भी बोडोलैंड की 360 डिग्री डेवलपमेंट में ध्यान दे रही है। साथ में गवर्नमेंट यहाँ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ध्यान दे रही है ताकि यहाँ के यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि अभी का BTR भी एक सेपरेट स्टेट से कम नहीं है। अभी बोडो ट्राइब के लोग भी असम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं ताकि गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग और डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में फिर से बोडोलैंड की मांग उठ सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।